हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। इसमें सिंधिया जी से मुलाकात की अतिथि शिक्षकों ने, तो उन्हें आश्वासन दिया है कि आपकी विभागीय परीक्षा लेंगे। 14 तारीख को फिर से अतिथि शिक्षकों की मुलाकात होने वाली है सिंधिया जी से, तो अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण जरूर किया जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है जिसके संबंध में विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। एक वीडियो भी दिखाने वाला हूँ, वीडियो बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे न्यू अपडेट पाने के लिए। की समस्या को सिंधिया सुनेंगे। तो कल रात में अतिथि शिक्षकों के प्रतिनिधि मंडल से सिंधिया मिले थे, मांगों पर गौर करने का आश्वासन दिया था। तो 14 फरवरी को सिंधिया अतिथि शिक्षकों से मुलाकात करेंगे, अतिथि शिक्षकों की समस्याओं को सिंधिया सुनेंगे। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी प्रहलाद फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रहलाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आश्वासन दिया है अतिथि शिक्षकों को कि उनकी मांगों को भी सुना जाएगा, अब गौर किया जाएगा, क्या जानकारी? बिल्कुल प्रेरणा, कल रात सिंधिया से मिलने पहुंचा था अतिथि शिक्षकों का प्रतिनिधि मंडल, जिसके बाद मुलाकात हुई और सिंधिया ने आश्वासन दिया कि 14 फरवरी को वो ग्वालियर दौरे पर आ रहे हैं और इस दौरान उनसे पृथक से चर्चा करेंगे और उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी जो मांगे हैं, उसे मनमाने के लिए सरकार से बात करेंगे। तो लगातार ये जो अतिथि शिक्षक है वो सिंधिया से मुलाकात कर रहे हैं और उन्हें ये याद दिला रहे हैं कि जो वादा उन्होंने किया था उसे पूरा कराए। तो सिंधिया ने जिस तरीके से उन्हें आश्वासन दिया है उससे स्पष्ट है कि सिंधिया इनकी मदद के लिए आगे आए हैं और जल्द ही इनकी मांगे पूरी होंगी। प्रेरणा, बिल्कुल धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। बता दें 14 फरवरी को सिंधिया अतिथि शिक्षकों से मुलाकात करेंगे। कल रात विभागीय परीक्षा हो जाए सर, मैंने बोला था आपके लाल में काम है, सब लोगों ने आप और एक सत्र को साल भर को अनुमान 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 साल भर को बार कर रहा है बाबा गुड्डू भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बढ़िया वीडियो सर, ये हमारे अतिथियों लोगों का ध्यान रखिए सर।